डॉक्टर दीपक शर्मा और आज हम केमिस्ट्री के एल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज OH। अगर हम ROH R जो एल्काइल ग्रुप होगा आपका, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है दैट इज एल्केनॉल। ये यू मस्ट हैव स्टडीड दिस थिंग इन 11th क्लास। और कॉमन नेम जो होता है बेटा एल्कोहल का, दैट इज एल्काइल एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम CH3CH2OH लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए केमिकल कंपाउंड लिया हुआ है हम लोगों ने, दो कार्बन का बेटा कौन सा एल्केन बनेगा आपका, IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होगा दैट इज इथेन। तो इथेनॉल बन जाएगा ये। अभी आपको बताया गया कि एल्केनॉल इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है। और कॉमन नेम जो होगा एल्काइल एल्कोहल, बेटा दो कार्बन का जो एल्काइल है दैट इज इथाइल, तो ये इथाइल एल्कोहल होगा। एल्काइल एल्कोहल हमें नॉमेनक्लेचर करना है इसका, तो कॉमन नेम इसका इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल से और समझते हैं हम इस चीज को, ये जो आपके सामने केमिकल कंपाउंड दिया हुआ है ये इसका IUPAC नॉमेन। अब बेटा कई किसी कभी केमिकल कंपाउंड्स में हमें नंबरिंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि OH, अब जैसे आपके इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग करनी पड़ेगी 1, 2 एंड 3। यू कैन नंबरिंग इन ऑन इधर साइड, फ्रॉम इधर साइड। तो ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होगा, ये प्रोपेनॉल तो है लेकिन ये 2 पे OH लगा हुआ है, तो इसका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा दैट इज प्रोपेन 2-ऑल। और जो बेटा इसका कॉमन नेम जो बनेगा दैट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्योंकि जो ये अरेंजमेंट होता है आपका, इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं, तो ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा आपका कॉमन नेम इसका। अब हम आते हैं फिनॉल्स पे। तो फिनॉल आपको पता है कि एक एराइल एल्कोहल्स होते हैं, तो बेंजीन पर लगा होगा आपका, डायरेक्टली अटैच होगा यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है OH, ये इसको हम फिनॉल बोलते हैं। अब बेटा इसमें दो चीजें आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो आपके CBSE के पेपर में काम आएंगी। अगर आपकी बेंजीन पर दो OH अटैच होते हैं तो आप इसका नाम फिनॉल नहीं कर सकते, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में जैसे ही आप इसका नाम फिनॉल रखते हैं तो इसमें एम्बिग्यूटी आ जाती है, आप एक OH आपको छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा हम कर नहीं सकते। तो जो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा वो होगा बेंजीन 1,2-डाईऑल। ऐसे ही इस दूसरे वाले कंपाउंड का जो है बेंजीन 1,3-डाईऑल, और ऐसे तीसरे वाले कंपाउंड का बेंजीन 1,4-डाईऑल, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉमन नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेम सिर्फ उतने इंपॉर्टेंट है जितने की आपको वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। बेटा अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH अगर अटैच होते हैं बेंजीन से तो उसका नाम होता है कैटेशॉल। अगर आपकी मेटा पोजीशन पे, रेफरेंशियल पोजीशन अगर मेटा होती है एक दूसरे के केस में, तो उसका नाम लिखते हैं रिसोर्सिनॉल। और अगर पैरा पोजीशन पे दो OH अटैच होते हैं तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्विनोन, या फिर आप सिंपली क्विनॉल बोल दीजिए, आपको QUINOLE क्विनॉल बोल दीजिए आप उसको सिंपली। अगर OH और CH3 दोनों आते हैं तो उसको कॉमन नेम में हम क्रिसोल बोलते हैं इसको। वैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर में तो ये आपका क्या होगा, 2-मिथाइल फिनॉल या फिर ऑर्थो मिथाइल फिनॉल होगा इसका नाम। ये मेटा मिथाइल फिनॉल या फिर 3-मिथाइल फिनॉल, ये यहां इसका नाम नॉमेनक्लेचर होगा आपका 4-मिथाइल फिनॉल या फिर पैरा मिथाइल फिनॉल। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉमन नेम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन कंपाउंड्स का, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑर्थो क्रिसोल बोलेंगे। अगर बेंजीन पर OH और CH3 दोनों अटैच होते हैं तो उसका नाम हम क्रिसोल रखते हैं। तो ये बेटा ऑर्थो क्रिसोल है, ये आपका मेटा क्रिसोल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पैरा क्रिसोल। अब आते हैं हम ईथर्स पे। ईथर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका सिर्फ O होगा, दो एल्काइल ग्रुप के बीच में सिर्फ O अटैच होगा यहां पर, और चेन यहां पर ब्रेक भी होगी। तो जैसे कि एग्जाम्पल एक जनरल वो मानते हैं हम ROR-, अगर आपका R और R- जो है दोनों सेम होते हैं तो वो कहलाता है आपका सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है ना। आपकी NCERT के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, R और R- बेटा अगर सेम होते हैं तो इनको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल ईथर। और अगर आपका R और R- अगर दो एल्काइल ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो वो आपका अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, और अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होते हैं तो वो सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा आपका। IUPAC नॉमेनक्लेचर एज फार एज ईथर्स इज कंसर्न, तो आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। इसमें अब दो एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, किसको आप एल्कोक्सी मानेंगे और किसको आप मानेंगे एल्केन। तो जो आपका स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा R और R- में, आउट ऑफ R और R- द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप विल बी ट्रीटेड एज एल्कोक्सी, एंड जो लार्जर एल्काइल चेन होगी वो आपका एल्केन का पार्ट बन जाएगी। जैसे कि अच्छा कॉमन नेम जो है इनका वो एल्काइल एल्काइल ईथर होगा, दोनों को आप एल्काइल की तरह ट्रीट करेंगे R और R- दोनों को। अगर जैसे कि एग्जांपल लिया है हमने CH3CH2OCH3, हमने एक तरफ जो है वो दो कार्बन की चेन अटैच की और एक तरफ सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने क्या पढ़ाया आपको, एल्कोक्सी एल्केन। तो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप कौन सा है इन दोनों में से, ये एक तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है, तो छोटा वाला मिथाइल है ना आपका, तो इसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी इथेन। और दोनों कॉमन नेम में क्या है, एल्काइल एल्काइल रखना है दोनों का नाम,
तो जब भी सेम नेचर की चीजें होती हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो उसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं उनको। तो ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इनका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। अगर दोनों सेम हो जाए बाई चांस, अगर सिमेट्रिकल ईथर की बात करें तो दोनों तरफ मिथाइल है तो सिंपल मिथॉक्सी मीथेन। और आपका कॉमन नेम में आपको दो बार एल्काइल लिखने की जरूरत नहीं है, मिथाइल मिथाइल आप लिख सकते हैं इसको, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर लिख सकते हैं आप इसको। अब कई बार हमें नंबरिंग करनी पड़ जाती है नॉमेनक्लेचर करते टाइम IUPAC, तो CH3O ये आपकी चेन अटैच है दोनों, एक मिथाइल लगा हुआ है और एक आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है आपका। अब सिंपल इसमें आप बड़ा वाला जो कंपाउंड है, दैट इज तीन कार्बन की चेन है आपकी, तो इसको नंबरिंग कर लीजिए 1, 2 और 3। तो आपका छोटा वाला जो एल्काइल है वो आपका एल्कोक्सी बनाना है आपको, तो वो दूसरे कार्बन पे अटैच है पूरा का पूरा। तो इसका हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे 2-methoxypropane। और कॉमन नेम करते टाइम हम इसे हमें एल्काइल अगर इधर लिखना है, तो जैसे मैंने आपको बताया एक तरफ मिथाइल अटैच है और एक तरफ आइसोप्रोपाइल अरेंजमेंट है, जैसे कि हमने बताया था आपको ये आइसोप्रोपाइल अरेंजमेंट होता है, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर रखेंगे हम इसका नाम। अब ये जो चैप्टर है आपका ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एल्कोहल फिनॉल एक साइड और फिर हम ईथर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एल्कोहल फिनॉल्स का जो है वो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन पहला, जैसे कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हेलोइल्केन्स और हेलोएरीन्स में, क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम है। पहला क्लासिफिकेशन उस टाइम क्या था आपका हेलोएल्केन हेलोएरीन्स में, कि आप कितने हेलोजन एटम अटैच कर रहे हैं उस केमिकल कंपाउंड में, और यहां पर हम देखेंगे कितने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड, ठीक है ना, टू द कंपाउंड। अब यहां पर एक ही OH अटैच है, यहां पर मैंने दो OH अटैच किए हुए हैं, यहां पर हमने तीन OH अटैच किए हैं। सेम इन द केस ऑफ फिनॉल्स, यहां पर एक OH अटैच है, यहां पर दो OH अटैच है और यहां पर तीन तीन OH अटैच है। तो जितने OH अटैच होंगे उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। एक बात जैसे पहले आपसे डिस्कस की हुई है कि क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, हम यहां पर नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो एक अगर OH अटैच है दोनों पे, ये है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा आपका, ये डाइहाइड्रिक आपका एल्कोहल होगा, ये डाइहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। और अगर तीन अटैच है तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन में किया था, उस हिसाब से जो आपका वो होगा दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो इस बात पे बेस्ड है कि जिस कार्बन से OH अटैच है केमिकल कंपाउंड में आपके, वो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अब इसके भी तीन सब क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, जैसे कि पहले आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ा होगा कि हम डिग्री बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड की, और डिग्री हम किस बेसिस से बताते हैं कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। तो बेटा यहां पर जिस कार्बन से OH अटैच है, कार्बन अंडर कंसिडरेशन जो है वो ये वाला है आपका, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो हम इसे 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे या फिर प्राइमरी एल्कोहल भी आप बोल सकते हैं। और अगर OH जिस कार्बन से अटैच है वो दो दो कार्बन से अटैच है, तो वो 2 डिग्री एल्कोहल होगा, सेकेंडरी हो जाएगा वो आपका। और जिस कार्बन से OH अटैच है, अगर वो कार्बन जो है आपका वो तीन तीन कार्बन से अटैच है, तो वो 3 डिग्री एल्कोहल या फिर टर्शियरी एल्कोहल हो जाएगा। इसी का जो दूसरा सब पार्ट है दैट इज एलाइलिक एल्कोहल्स। मैंने आपको ये हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में हम बता चुके हैं हम ये चीज कि डबल बॉन्ड के जो अल्टरनेट वाला कार्बन होता है वो आपका एलाइलिक कार्बन होता है। तो अगर हम इसी वाले कार्बन से OH अटैच कर देंगे तो वो एलाइलिक एल्कोहल बन जाएगा, जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड के अल्टरनेट वाले कार्बन से OH अटैच है तो ये आपका एलाइलिक एल्कोहल है। डबल बॉन्ड के अल्टरनेट वाले कार्बन से अगर OH अटैच है तो ये एलाइलिक एल्कोहल है। तो जो दो एग्जांपल हैं ये आपके एलाइलिक एल्कोहल्स के एग्जांपल हैं। थर्ड जो आपका सब क्लासिफिकेशन है दैट इज बेंजाइलिक एल्कोहल। इसमें CBSE की बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, अगर हम आपसे बोले बेंजाइलिक एल्कोहल तो बच्चों के दिमाग में क्या जाता है, बच्चे बेंजाइलिक एल्कोहल से बेंजीन से ही डायरेक्टली अटैच कर देंगे फंक्शनल ग्रुप को। ये बेटा गलत है, ये फिनॉल है। बेंजाइलिक का मतलब ये होता है कि बेंजीन से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा वो आपका बेंजाइलिक कार्बन होता है, और अगर इसी कार्बन से हम OH को अटैच करेंगे तो वो आपका बेंजाइलिक एल्कोहल बन जाएगा। जैसे बेंजीन से अटैच CH2 और ये OH, तो ये आपका बेंजाइलिक एल्कोहल है। अच्छा, हम इसमें डिग्री भी बता सकते हैं, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो ये आपका बेंजाइलिक तो है, लेकिन ये 1 डिग्री बेंजाइलिक है। जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन जो है वो दो दो कार्बन से अटैच है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, तो ये बेंजाइलिक तो है लेकिन ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि अगर हम बेंजाइलिक पढ़ रहे हैं तो हम डिग्री नहीं बता सकते कंपाउंड की, डिग्री आप बिल्कुल बता सकते हैं। थर्ड जो सब क्लासिफिकेशन आता है इसका, मतलब जो आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन द नंबर,
थर्ड क्लासिफिकेशन जो है आपका, उसमें जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो इसका मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 COH बॉन्ड, जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। पहला है इसमें आपका विनाइलिक अल्कोहल्स। यू मस्ट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर कि डबली बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं वो आपके विनाइलिक कार्बन होते हैं, और इसी कार्बन से, इन दोनों में से किसी भी कार्बन से अगर OH अटैच होगा तो वो आपका विनाइलिक अल्कोहल होगा। जैसे कि CH3CH2 ये कंपाउंड लिया है हमने, डबली बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच है तो ये आपका जो है ये विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, और ऐसे डबली बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच है ये आपका विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा आपका।